हेलो एवरीवन, मैं हूं आनंद मेहता और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वेदांता लिमिटेड के बारे में। देखिए, फिर से डिविडेंड की खबरें यहां पे वेदांता में देखने को मिल रहा है और साथ ही डिमर्जर के बारे में भी डिस्कस करेंगे। दो बहुत ही बड़ी मेजर अपडेट है इस वीडियो में। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप अंत तक देखिए, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो जनरल इन्फॉर्मेशन पाने के लिए ए प्रो ट्रेडर यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकॉन भी हिट कीजिए, क्योंकि फ्यूचर में ऐसे बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस। सबसे पहले मैं बात करूँ, देखिए आज की जो खबर है उसकी वजह से यहाँ पे 5% की तेज़ी देखने को मिल रहा है। पिछले 5% की पाँच दिनों की बात करेंगे तो पिछले 5 दिनों में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रहा है। 10% के आसपास भाग चुका है और एक महीने की बात करेंगे तो 8.56% की तेजी है। लेकिन 6 महीने के अगर हम कंपैरिजन देखें तो बहुत ज़बरदस्त तेज़ी है। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, 87% से भी ज़्यादा का तेज़ी है और ये कोई छोटी मोटी तेज़ी नहीं है, बहुत बड़ी तेज़ी है। और हालांकि एक चीज़ मैं इसमें आपको कहूँगा कि अगर आप इसमें इस वाले तेज़ी में यहाँ पे अगर डिविडेंड को भी ऐड करिएगा तो कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छा ज़्यादा यहाँ जो है वो पैसा निवेशकों का बनते हुए दिखाई दिया था। ठीक है, एक टाइम पे था बहुत बड़ी बड़ी और बहुत ही अजीब सी खबरें आ रही थी वेदांता को लेकर के, लेकिन अगर अभी देखा जाए तो अच्छे खासे लेवल पे ये ट्रेड होते हुए दिखाई दे रहा है। पूरे 2024 में केवल 95% का ये रिटर्न बना के दे चुका है। लेकिन मैं कहूँगा अगेन कि जो पैसे बने हैं डिविडेंड के फॉर्म में भी अच्छे खासे पैसे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। लगभग 3 बार डिविडेंड कंपनी दे चुका है पिछले 5 दिनों की, अगर हम माफ़ कीजिएगा पिछले 5 साल की अगर हम बात करेंगे तो देख सकते 219 रुपये के आसपास का यहाँ पे तेजी देखने को मिल रहा है। देखिए, जो दिक्कत है ना कंपनी में वो डेप्थ का दिक्कत है। जब कंपनी 2000 कोविड के टाइम पे 19-20 के टाइम पे क्या हो रहा था कि कंपनी बहुत नीचे जा रही थी, ठीक है, और वहां पे क्या हुआ था कि डीलिस्ट की खबरें देखने को मिल रही थी और ये डीलिस्ट की खबरों की वजह से कंपनी ने क्या करा, इस लेवल पे अपने बहुत सारे शेयर जो था वो क्या करा, बायबैक कर लिया। और इसके बाद से यहाँ पे दिक्कतें शुरू होने लगी क्योंकि बहुत सारे पैसे इन्होंने मार्केट से उठा लिया था जिसकी मैच्योरिटीज और रीपेमेंट से जो ड्यू डेट थे वो आने स्टार्ट हो गए और फिर कंपनी को पैसा पे करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। और इसी बीच आपने एक चीज़ और देखा होगा, इनकी जो दूसरी कंपनी है हिंदुस्तान जिंक, ठीक है, ये भी हिंदुस्तान जिंक की भी जो प्रमोटर है वो वेदांता ही है, इनको अपनी इंटरनेशनल जिंक एसेट का जो बिज़नेस था वो इनको वो बेचना चाहते थे लेकिन वो बेच नहीं पाए गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस की वजह से। वो जो डील था वो $3 बिलियन के आसपास का था, अगर वो डील हो जाता तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा राहत मिलती और अभी जो प्राइस आप 500 देख रहे हैं वो 600-700 भी आपको देखने को मिलता। ठीक है, जहाँ तक बात करेंगे डिविडेंड की, कंपनी डिविडेंड क्यों दे रहा है, तो मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि डिविडेंड की सबसे ज़्यादा अगर ज़रूरत किसी को है तो वेदांता को खुद ही है। ठीक है, वेदांता की जो दूसरी कंपनी है वो वेदांता रिसोर्सेज जो इसकी प्रमोटर है उनको सबसे पहले गाइस कर्जे पे करने हैं, रिपेमेंट्स वगैरह पे करने हैं, तो वो डिविडेंड के फॉर्म में पैसे निकालती है अपनी कंपनियों से, चाहे वो वेदांता हो चाहे हिंदुस्तान जिंक, और वो फिर क्या करती है आगे मार्केट में सेल करती है, अपने रिपेमेंट्स वगैरह जो है वो भरती है। ठीक है, सो यहाँ पे आगे वीडियो में बात करूँ उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि कंपनी में डीमर्जर का बहुत बड़ा अपडेट यहाँ पे आने वाला है। छोटा मोटा अपडेट नहीं, बहुत ही ज़्यादा बड़ा अपडेट, और एक नहीं लगभग 6-6 कंपनियाँ यहाँ पे बनेंगी। टोटल 6 कंपनियाँ आपको बनते हुए दिखाई देगी। हालांकि ये अभी तक इसका जो डेट है डीमर्जर का वो कंफर्मेशन नहीं हुआ है क्योंकि कंपनी के जो प्रमोटर है उन्होंने कहा है कि अभी हम लोग इसको NCLT में दिए हैं, वहाँ से अगर कोई अपडेट आता है तो इसके बारे में हम आपको कंफर्मेशन डेट देंगे। और मैं भी यही कह रहा हूँ कि अगर ऐसी कोई अपडेट आती तो डेफिनेटली मैं उसके ऊपर वीडियोज़ बनाऊँगा। ठीक है, लेकिन जहाँ तक बात करेंगे कि जितने सारे इनके बिजनेसेस हैं सारे बिजनेसेस फॉर्म होंगे लगभग 6, और जिनके पास वेदांता लिमिटेड के शेयर है उनके 6 बिजनेसेस के उनको क्या मिलेंगे देखने को मिलेंगे, उनको अलग अलग कंपनीज के शेयर मिलेंगे जितने भी डीमर्जर यहां पे होते हुए दिखाई देगा। ठीक है, देखिए कंपनी में डिविडेंड नया अनाउंस होने ही वाला है, समझिए आ ही गया है समझिए। और ये जो डिविडेंड है लगभग मैं बात करूंगा कि यहाँ पे पहले कंपनी कितने बार डिविडेंड दे चुकी है वो अगर मैं आपको दिखाऊं तो काफ़ी टाइम दे चुकी है। 2023 में तो अच्छा खासा डिविडेंड दी थी और 2024 की अभी अगर हम बात करेंगे तो 2024 में भी अच्छा खासा डिविडेंड दिए, थोड़ा बहुत डिविडेंड ने दिया और इस तेज़ी भी यहाँ पे हालांकि बरकरार है। तो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि अक्टूबर में जो डिविडेंड अनाउंस होने वाला है वो किससे रुपये का होगा। ठीक है, क्योंकि आज जो है इसकी हमें देखने को मिल रहा है कि ये डिविडेंड बहुत जल्द अनाउंस करने वाले हैं। ओके, फंड रेजिंग का जो था
वो इनको बहुत जल्द यहाँ पे अपडेट देखने को मिलेगा आपको, और ये जो अपडेट है ये यहाँ पे आज आते हुए दिखाई दे, और इसी न्यूज़ की वजह से खास करके यहाँ पे आपको तेजी देखने को मिल रहा है खास करके, ठीक है। सो गाइस, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इंटरिम डिविडेंड 2 सितंबर के आसपास को पिछले अनाउंस हुआ था, अगर ये भी हम बात करेंगे टोटल डिविडेंड की, तो आप देख सकते हैं केवल 2024 में यहाँ पे कंपनी क्या है कि काफ़ी टाइम डिविडेंड दे चुकी है, लगभग 3 बार डिविडेंड दे चुकी है 2024 में, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए, पहले तो 20 रुपये का सबसे बड़ा डिविडेंड, 4 रुपये का और 11 रुपये का, मतलब अगर जोड़ा जाए तो कम से कम जैसे आप देख रहे 35 रुपीज़ के आसपास का तो डिविडेंड ये दे चुकी है अब तक, ये भी केवल 2024 में, 2024 में। अभी आपको एक बार और डिविडेंड मिलते हुए दिखाई देगा जो आपको अक्टूबर महीने में कन्फर्म हो जाएगा, क्योंकि अभी भी ये हो चुका है, लगभग समझिए यहाँ पे देखने को मिल चुका है, ठीक है, कन्फर्मेशन आ गई है, इसकी गारंटी है। यहाँ पे आगे अगर मैं बात करूँ तो बोनसेस की, तो आप देख सकते हैं लास्ट 2008 में बोनसेस दिया था, और अभी तो आप भूल ही जाइए क्योंकि कंपनी खुद डेप्ट में है और डिविडेंड ही इतना बांट रही है जिसका कोई हिसाब नहीं है, ठीक है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, हालांकि डिविडेंड यहाँ पे अनाउंस होते हुए दिखाई दे रहा है, और इसकी जो फिक्स रिकॉर्ड डेट रखी गई है वो अक्टूबर 16 को रखी गई है, और हालांकि एक चीज़ आप लोगों के दिमाग में होगा डिविडेंड कितने रुपीज़ का मिलेगा, तो हालांकि ये जो है वो 8 अक्टूबर के आसपास का कन्फर्मेशन हो जाएगा जब बोर्ड मीटिंग यहाँ पर देखने को मिलेंगे, उसके बाद हालांकि कन्फर्मेशन होते हुए दिखाई देगा। और यहाँ पर हम अगर आशंका लगाए कि किस रुपये का डिविडेंड होगा, तो मैं कहूँगा देखिए स्टॉक प्राइस जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा हैवी में है, और कंपनी का वैल्यूएशन जो भी है वो भी काफ़ी अच्छा खासा है, तो इस लेवल पे मैं कहूंगा कि कहीं ना कहीं अच्छा खासा लेवल का डिविडेंड भी मिलते हुए आप लोगों को दिखाई देगा। पिछला जो डिविडेंड था वो 20 रुपए के आसपास का था, तो मैं यहां पे आशंका लगाता हूं कि कहीं ना कहीं जो डिविडेंड है 25 रुपए या फिर 30 रुपए के आसपास में देखने को मिलेगा, अगर इससे कम भी रहता है तो कहीं ना कहीं 18 रुपए के आसपास का डिविडेंड देखने को मिलेगा। हालांकि ये जो फाइनल अपडेट है वो आपको बोर्ड मीटिंग के बाद बनते हुए बिल्कुल भी दिखाई देगा, जैसे कि आप वीडियो से अपडेटेड रहिए, जैसे ही इसमें कोई कंफर्मेशन आता है तो उसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा, आप चैनल के साथ जुड़े रहिए, ठीक है। सो इससे पहले अगर बात करेंगे तो इससे पहले भी देखिए अर्लियर दिस मंथ अनिल अग्रवाल लेट वेदांता अप्रूव अ थर्ड डिविडेंड और 20 रुपीज़ पर शेयर फॉर द करेंट फाइनेंशियल ईयर, टेकिंग द टोटल डिविडेंड सो फार द फाइनेंशियल ईयर 13,774 करोड़ का टोटल डिविडेंड ये ऑलरेडी दे चुके हैं इस फाइनेंशियल ईयर में, और ये जो इनका है चौथा इंटरिम डिविडेंड है जो कि एक जो निवेशकों को अच्छा खासा प्रॉफिटेबल बना रही है। देखिए डिविडेंड कहाँ तक अच्छा है और कहाँ तक बुरा है अगर मैं ये डिस्कस करूँ, तो यहाँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये आता है कि देखिए निवेशकों का तो पैसा बन रहा है, और जो भी लोग इसमें खरीदारी कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं डिविडेंड के लिए ही बाय कर रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मैं कहूँगा कि लॉन्ग टर्म पे जो भी लोग हैं ना उनको फायदा ही होने वाला है, लेकिन जो शॉर्ट टर्म में थोड़ी बहुत दिक्कतें आपको देखने को मिलेंगी, डेप्थ वगैरह की खबरें आती है तो शेयर प्राइस में गिरावट देखने को मिलेगी, लेकिन हालांकि बहुत सारी खबरें आने के बावजूद तो स्टॉक में अच्छा खासा रिटर्न बना के दिया है, इसके बारे में मैं बिल्कुल भी यहाँ पर देख रहा हूँ। आगे बात करेंगे फाइनेंशियल, देखिए कंपनी में डेप्थ भी है और कहीं ना कहीं यहाँ पर डिविडेंड भी निकाल रही है, तो ये देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा कि ये पैसे कमा रही है कि नहीं कमा रही है। अकॉर्डिंग टू ग्रो के एनालिस्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर लगभग 50% बाइंग की रिकमेंडेशन है, होल्ड करने की 25% और यहां पे सेल करने के लिए 25%। हमारी क्या राय है वो वीडियो के अंत में जानेंगे। मार्केट कैप की अगर मैं बात करूं, देखिए एक टाइम पे अगर इस टाइम पे एक साल पहले 85,000 करोड़ के आसपास का इनका जो था वो मार्केट कैप चला गया था, लेकिन अभी देखा जाए तो 1,87,000 करोड़ के आसपास का है। बड़ी कंपनी कहेंगे इसको, बहुत बड़ी कंपनी कहेंगे, और हालांकि स्मॉल कैप में तो बिल्कुल भी नहीं आएगी, और यहाँ पे मीडियम जो है उसमें भी मिड कैप में भी नहीं आएगी, बड़ी कंपनी यहाँ पे होते हुए दिखाई दी है। फाइनेंशियल्स की मैं बात करूँगा, सो गाइस आप देख सकते हैं कंपनी का जो रेवेन्यू है वो उतना खास बढ़ते हुए नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है, बिल्कुल वहीं का वहीं है, कुछ ज़्यादा जम देखने को नहीं मिल रहा। अगर क्वार्टरली अगर यहाँ पे देखा जाए तो आप देख सकते हैं 34,000 करोड़ के आसपास का था, और 36,000-37,000 करोड़ यानी कि 2-3,000 करोड़ के आसपास का ऊपर नीचे होते हुए दिखाई दे रहा है। प्रॉफिट की यहाँ पे हम बात करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं प्रॉफिट में अच्छा खासा जंप है, हालांकि एक बार यहाँ पे कंपनी जो थी वो लॉस में भी जाते हुए दिखाई दी थी, 900 करोड़ के आसपास का लॉस कर दी थी, 3,300 करोड़ के आसपास का पिछले साल के मुकाबले इस साल में देखा जाए तो कम से कम 5,000 करोड़ के आसपास का इस साल में ये प्रॉफिट बनाई है जून 2024 पिछले क्वार्टर में, ठीक है। तो अगर ईयर ऑन ईयर के बेस पे अगर हम कंपेयर करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं कि लगभग 70-80% का ईयर ऑन ईयर के हिसाब से जंप यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एक टाइम पे यहाँ पे 900 करोड़ के आसपास का लॉस भी देखने को मिला था, लेकिन जब प्रॉफिट हुआ तो अगले क्वार्टर में ही 2800 करोड़ के आसपास का पहुँच गया, फिर 2200 करोड़ के आसपास का पहुँच गया, तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट जो है वो अच्छा खासा जंप
जंप देखने को मिल रहा है। अगर ईयरली कंपेयर करेंगे तो आप देख सकते हैं एक टाइम पे लॉस में था, ठीक है, और इसी टाइम पे था जब लॉस में था कंपनी 4000 करोड़ के आसपास का, उसी टाइम पे डेप्थ की जो खबरें थी वो बढ़ना यहाँ पे स्टार्ट हुई थी और फिर जो बढ़ी वो फिर बढ़ती ही चली गई, ठीक है। लेकिन कंपनी बहुत ज़्यादा फिनेंशियली अपने आप को अभी तक स्ट्रॉन्ग किया हुआ है, लगातार प्रॉफिट होते हुए दिखाई दे रही है, लेकिन पिछले कुछ साल के मुकाबले 2024 में देखा जाए तो कहीं ना कहीं गिरा हुआ है अभी क्वार्टर में, 2023 में भी गिरा है। लेकिन देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि अभी जो सितंबर और जो दिसंबर वाला क्वार्टर है उसमें कंपनी कैसा परफॉर्म करती है, ठीक है। जहाँ तक बात करेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न की, उससे पहले इसका वैल्यूएशन देखिए बहुत ज़्यादा भाग चुका है, तो मैं कहूँगा पिछला जब मैं एक महीने के पहले तक देख रहा था तो वैल्यूएशन सेम था, ना तो महंगा था ना ही सस्ता था, लेकिन यहाँ पे वैल्यूएशन अब क्या कहेंगे महंगा हो चुका है, लगभग 36 रुपीज़ के आसपास का इसका पी रेशियो है, सेक्टर पी की बात करेंगे तो 32 रुपये के आसपास का है, तो कहीं ना कहीं वैल्यूएशन के हिसाब से महंगा हो चुका स्टॉक, और आज की तेजी के बाद मुझे लगता है थोड़ा सा और महंगा होते हुए दिखाई देगा। 57% टिकट टाइप के एनालिस्ट जो है वो आपको बाइंग के रिकमेंडेशन कर रहे हैं। शेयर पैटर्न होल्डिंग की अगर मैं बात करूं, देखिए 56.38% की जो होल्डिंग है वो प्रमोटर होल्डिंग है, और प्रमोटर के सारे शेयर जो है वो गाइस गिरवी पड़े हैं, ठीक है, सारा का सारा शेयर गिरवी करके जो प्रमोटर उस पर लोन उठा लिए हैं अपने डेप्थ वगैरह रिपेमेंट करने के लिए। म्यूचुअल फंड 6.72%, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की बात करेंगे 9.13%, फॉरन इंस्टीट्यूशन 12.61%, और रिटेल और अदर की मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं रिटेल निवेशकों का 10.31%, अदर पार्टीज 4.85%, टोटल मिलाकर के 15.16% की स्ट्रॉन्ग होल्डिंग बनते हुए दिखाई दे रही है। म्यूचुअल फंड का जो पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे वो आप लोग देख सकते हैं 6.72% पे, अगर मैं बात करूँगा पिछले साल के मुकाबले तो इन्होंने अपनी जो हिस्सेदारी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ाई है, 1.42 से आप सीधा देख सकते हैं, तो 6.72% के आसपास मतलब 5-6 गुना इन्होंने खरीदारी कराया, होल्डिंग अपनी बढ़ाई। पिछले क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो 5.34% था, अगर अभी 6.72% है मतलब पिछले क्वार्टर में भी खरीदारी करी है। तो देखिए रिटेल की निवेशकों की जहां तक मैं बात करूंगा तो जो रिटेल निवेशक थे वो पिछले क्वार्टर में इनका क्या था कि उन्होंने भी यहाँ पे आप जैसे कि देख रहे हैं 12.94% पे है, और यहाँ पे अगर अभी हम इस साल की बात करेंगे तो आप देख सकते हैं रिटेल निवेशकों ने भी बिकवाली करा है और प्रमोटर ने भी बिकवाली करा, तो खरीदारी कौन करा है, बड़े फंड हाउसेस जो है इसमें खरीदारी करे हैं, और उनका जो बिलीव है अभी भी बढ़ता हुआ है वेदांता के ऊपर, हिंदुस्तान जिंक के ऊपर यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। फ्रेश बाइंग की जहाँ तक मैं बात करूँगा तो आप एक चीज़ समझ लो कि देखिए अभी इस लेवल पे मुझे नहीं लगता है कि आपकी जो फ्रेश एंट्री होनी चाहिए, क्योंकि स्टॉक जो है वो काफ़ी ज़्यादा भाग चुका है, थोड़ा बहुत नहीं काफ़ी ज़्यादा जो स्टॉक है वो भाग चुका है, और यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ जेन्युइनली तो प्राइस में कहूँगा कि पिछले कुछ साल से 5-6 साल के ऑल टाइम के हाई पे लेवल पे यहाँ पे ट्रेड होते हुए दिखाई दे रहा है, और ये जो चीज़ है इस वजह से स्टॉक में भारी शाप देखने को मिलेगा आपको, जब खबरें कुछ आएगी तो गिरेगा स्टॉक, रिजल्ट खराब होगा तो गिरेगा स्टॉक, और हालांकि डिविडेंड जब आएगा तो जो भी डिविडेंड का अमाउंट होगा उसमें से भी प्राइस एडजस्टमेंट होते हुए दिखाई देंगे यहाँ पे, और हालांकि जो मेरी मेन नज़र होगा वो इसके क्वार्टरली रिजल्ट पे होगा, डिविडेंड पे नहीं, डिविडेंड तो वेदांता देते रहता है, डिविडेंड के लिए ही जाना जाता है वेदांता, ठीक है, तो डिविडेंड कोई उतना बड़ा एक्साइटमेंट नहीं है, लेकिन इसका जो रिजल्ट आने वाला है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट रहेगा, और ये बहुत ज़्यादा डिसाइड करेगा कि आगे के लिए वो कैसा रहेगा स्टॉक, क्योंकि अगर रिजल्ट खराब होता है तो कहीं ना कहीं स्टॉक में आपको शार्प देखने को मिलेगा, ठीक है। सो मैं ये कहूँगा कि अगर अभी इस टाइम पर आप इसको बाय करना चाहते हैं तो आप एक काम करिए, अभी थोड़ा सा वेट करिए, लेकिन अगर इंस्टेंट में बाय करना है तो अपने पोर्टफोलियो का सारा जो पैसा इसमें मत डालिए, 10% 15% का इसमें जरूर निवेश कर सकते हैं, ठीक है। लॉन्ग टर्म में जो भी इसमें निवेशक है जो अभी आगे होल्ड करके रखना चाहते हैं उसके लिए मैं ये कहूँगा कि देखिए फ्यूचर प्रोजेक्ट तो है कंपनी में, जिसमें कंपनी के फ्यूचर डिसाइड होते हैं, उनका जो काम करने का तरीका है और क्या क्या किस किस सेगमेंट में है और कितना स्कोप है उस सेगमेंट में, ये सारा चीज़ें जो है वो फ्यूचर के लिए मायने रखता है, और ये सारा चीज़ वेदांता के पास है, लगभग सेमीकंडक्टर के बिजनेस का ये प्रोजेक्ट लगाने वाले हैं, फ्यूचरिस्टिक चीज़ें कर रहे हैं, माइंड्स में अगर हम बात करेंगे तो अच्छा खासा चीज़ें होगी, आगे डिमर्जर का भी फायदा आपको देखने को मिलेगा, जिसके पास भी वेदांता के शेयर है आपको अलग 6 और कंपनियों के भी मिलेंगे शेयर, उसके बाद आप डिफरेंट डिफरेंट कंपनियों के बिजनेस के एडवांटेजेस आप ले सकते हैं, जिनको जिस भी बिजनेस का शेयर खरीदना है वो उस बिजनेस का शेयर आसानी से खरीद सकते हैं, ठीक है। सो लॉन्ग टर्म के लिए मैं बिल्कुल भी बुलिश हूँ स्टॉक में, लेकिन आपको अपनी जो एनालिसिस है खुद से करनी होगी वेदांता के बारे में, और उसके डिविडेंड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा वेदांता। तो इस वीडियो में बस इतना ही, अगर आप चैनल पर नए हैं तो जनरल इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप प्रो ट्रेडर यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकॉन भी कीजिए, क्योंकि फ्यूचर में ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू।